माई YouTube फैमिली, What's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. और हम भी बहुत अच्छे हैं. तो दोस्तों, आपको थंबनेल के थ्रू पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है. तो बताना चाहती हूँ, आज का जो व्लॉग है वो मैं आपको अपने हेयर केयर के बारे में बताऊँगी कि मैं अपने बालों को कैसे मेंटेन करती हूँ, क्या लगाती हूँ अपने हेयर पे. तो प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग को. दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब हम बचपन में थे तो हमें पता नहीं होता था कि हमें अपने आप का ख्याल कैसे रखना है, हेयर का कैसे ध्यान रखना है, स्किन का कैसे ध्यान रखना है. तो हम नॉर्मली शॉप पे जाते थे और 1 रुपए वाला जो भी शैम्पू होता था उसे परचेज करते थे और वही शैम्पू लगाते थे. लेकिन वो 1 रुपए की शैम्पू के पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स है वो हमें नहीं पता, जो हमारे बाल को धीरे धीरे फ्रीजी कर देते हैं, डैमेज कर देते. तो देन आई केम अक्रॉस अबाउट दिस, नहीं, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, हेयर केयर का ध्यान रखना है. तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो शुरुआत करते हैं एक होम रेमेडीज से, क्योंकि होम रेमेडीज में विदाउट कोई भी केमिकल नहीं है, ये प्योर ऑर्गेनिक होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद होम रेमेडीज. होप यू लाइक इट. आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो, प्लीज़. सो गाइज, एज वी ऑल नो, मेल हो या फीमेल, टीनेजर हो या ओल्ड एज, हर किसी को हेयर फॉल की समस्या कभी ना कभी आती है. और हम सभी जानते हैं कि हम कितने कंसर्न होते हैं अपने हेयर फॉल को लेके. तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करने वाले हैं अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम. मैं यूज़ करने वाली हूँ होम रेमेडी, तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस वीडियो के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार. तो आप देख सकते हैं हमने 2 ऑनियन लिया है. अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके छिल के और इसके पीसेस कर लेंगे. और पीसेस करने के बाद हम प्रॉपरली इसको ग्रिंड करना है हमें, ताकि इसका पेस्ट बन जाए. तो हम ऑलरेडी ग्रिंड कर रहे हैं और इसका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है दोस्तों. तो अब हमें क्या करना है, आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा. उसके बाद हमें लेना है नारियल का तेल, क्योंकि नारियल का तेल सभी के घरों में ईजली अवेलेबल होता है. तो आपको कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं करना है, यही तेल लेना है आपको. उसके बाद आप जो आपने जो भी पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से फिल्टर कर लेना है. तो हमने कपड़े के इस्तेमाल किया है यहाँ पर, आप छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उससे प्रॉपर उसका रस निकल जाए. और प्याज का रस हमारे सामने है और आप देख सकते हैं हमने प्याज के जूस को निकाल लिया है प्रॉपर तरीके से. उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग आप तेल ले सकते हैं, जितना आपको इस्तेमाल करना है उसको एक कटोरी में लेके गरम कर लें आप. तेल गरम हो चुका है और अब मैं क्या करूँगी, उस प्याज के रस में इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरीके से इसको मिलाऊँगी प्रॉपर तरीके से, ताकि वो प्रॉपर मिल जाए. अब बारी आती है अप्लाई करने की. तो हमने क्या किया है, मैं कॉटन के इस्तेमाल से यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हाथों से भी लगा सकते हैं. तो मैं थोड़ा बहुत टैप करके फिर कॉटन के इस्तेमाल से अच्छे से उसे अपने पूरे बालों में, पूरे हेड पे लगा रही हूँ. दोस्तों, तो आज के डेट में सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चंस होते हैं कि अपने हेयर फॉल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है. ये रेमेडी तो यूज़ करना ही करना है जो मैंने इस वीडियो के थ्रू शेयर किया है. साथ में आपको हेल्दी डाइट लेनी है और प्रॉपर एक्सरसाइज करना है एवरी डे, ठीक है. उसके बाद आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार शैम्पू करनी है. शैम्पू के बाद आप वीक में 1 बार कभी भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा. दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या ये वर्क किया या नहीं किया, क्योंकि मुझे ये इसका रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी अप्लाई करें, तभी मैं ये रेमेडी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. तो अभी मैंने लगा लिया है तेल और अभी इसे मैं फोल्ड करके एटलीस्ट 24 आवर तक अपने बालों पर रहने दूँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं हेयर वॉश करूँगी. हाई गाइज, वेलकम बैक विद अनदर डे. तो फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया है और द मेन थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हेयर वॉश कर रही थी तो उस टाइम जो मेरा पहले जब मैं हेयर वॉश करती थी और जो आज मैंने हेयर वॉश किया है आफ्टर अप्लाइंग द आनियन ऑयल, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे हेयर फॉल 90% फर्स्ट डे के रिज़ल्ट में बता रही हूँ.
बहुत ही इफेक्टिव रहा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहा मुझे ऐसा लगा, और हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ मतलब फर्स्ट डे। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी माय हैप्पी सब्सक्राइबर। सो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आनियन को आपको ग्रिंड कर लेना है, उसके बाद उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके थोड़ा वार्म करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, और आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आई नो कि ये थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा आपको इस चीज़ों को रेडी करने में, बट द रिजल्ट इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी इफेक्टिव। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। तो अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है तो और मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और मैं कॉम्ब कर ले रही हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे जो हेयर फॉल है वो कितना कम हुआ है, पहले बहुत ही ज़्यादा होते थे दोस्तों। और अब मेरे बालों में शाइन भी देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से सुलझ चुके हैं। बहुत ईजली ये स्टेप्स हैं, आप प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करें, रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली ये वर्क करेगा, इसमें ऑनेस्ट रिव्यू मैं बता रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद फॉलो कर दें तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी इस चीज़ से। अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड, अपने सेल्फ केयर से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताएंगी रिलेटेड टू मेकअप, स्किन, हेयर केयर, मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ऑनेस्टली ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग कुछ क्रिएटिव चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.